हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है, इसमें हमें क्या डिटरमाइन करना है? तो आइए हम बताते हैं हमको क्या क्या डिटरमाइन करेंगे। इसमें हम डिटरमाइन करेंगे हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट, ये केएच डिटरमाइन करेंगे हम, ठीक है। फिर हम डिटरमाइन करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये एच होता है, और फिर हम डिटरमाइन करेंगे पीएच। तो हमको इतनी चीजें जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे। चलिए तो हम एक सॉल्ट ले लेते हैं, सपोज ये सॉल्ट जो है वो बी ए है, और इसको हम हाइड्रोलिसिस मतलब इसको हम वाटर में डालेंगे, तो ये अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स और बेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका बेस जो है वो बी ओ एच है और एसिड जो है वो एच ए एसिड है। ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, ये किसका सॉल्ट है? ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट है। अब ये हमने सॉल्ट ले लिया, इसको हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर में डालेंगे, तो ये अपने रिस्पेक्टिव बेस और एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये तो आप जानते हो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड बनेगा, क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वाटर में डालोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड बनेगा। अब हम जानते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो हमारा 100% आयनाइज होता है, और ये बेस जो है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है तो ये भी 100% आयनाइज होगा। तो आइए हम इनको 100% आयनाइज कराते हैं, इनको आयन ब्रेक कर देते हैं। तो करते हैं ब्रेक, तो ये बनेगा हमारा बी पॉजिटिव ए निगेटिव प्लस एच टू ओ, ये बनेगा बी पॉजिटिव ओ एच निगेटिव प्लस एच। तो यहां पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बी पॉजिटिव ये कॉमन है, तो इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन हम यहां पे अप्लाई करते हैं, के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निगेटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू, ये जो होता है वो के एच के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं के एच इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव। तो ये तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट हो गया, किसका, जो हमारा सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है, ये उसका हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट हो गया। अब हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, फुल आयनाइज होगा, वीक एसिड जो होगा वो कैसे आयनाइज होगा, एच ए ये एच पॉजिटिव एंड ए निगेटिव में, ये पार्शियली आयनाइज होगा, ठीक है, इसलिए हमने डबल एरो बनाया, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसके लिए हम के जो होता है आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निगेटिव अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए। फिर हमारा जो वाटर है ये भी पार्शियली डिसोसिएट होगा, पार्शियली आयनाइज होगा, तो एच टू ओ कैसे हम करते हैं, ये एच पॉजिटिव एंड ओ एच निगेटिव में ब्रेक होगा, तो इसके लिए हम आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट जो होता है वाटर के लिए के डब्ल्यू होता है, ये एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है, ठीक है। अगर हम के लिखेंगे तो फिर ये एच टू कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगा, और के
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू, ये जो होता है वो के डब्ल्यू होता है, तो के डब्ल्यू जो होगा वो हमारा आ जाएगा एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब हमको क्या करना है, ये हमारा अगर इक्वेशन वन है, अगर ये हमारा इक्वेशन टू है और अगर ये हमारा इक्वेशन थ्री है, तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन एंड टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो के ए इंटू के एच, तो के ए क्या है एच पॉजिटिव ए निगेटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए इंटू के एच क्या होता है ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन एच ए कॉन्सेंट्रेशन और ए निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो ए निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन से ए निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एच ए से एच ए कैंसिल हो जाएगा, तो के ए इंटू के एच जो बचता है वो किसके ऊपर होता है, ये होता है एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर होता है, और एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो के डब्ल्यू होता है, तो के ए इंटू के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा के डब्ल्यू, तो के एच जो हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट होता है वो होता है के डब्ल्यू अपॉन के ए, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का अब हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे, अभी हमने हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट को डिटरमाइन किया था, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिटरमाइन करते हैं, तो आइए करते हैं, तो आइए हम वो लिखते हैं इक्वेशन लिखते हैं, तो बी एक सॉल्ट था, इसको आपने वाटर में डाला, तो ये जो था वो बी ओ एच बना और एच ए बना, सॉल्ट जो होता है कोई भी सॉल्ट हो वो 100% आयनाइज होता है, तो ये बी पॉजिटिव और ए निगेटिव में ब्रेक होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस बना था तो ये बी पॉजिटिव एंड ओ एच निगेटिव में ब्रेक होगा, ये बी पॉजिटिव से बी पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारी रिमेनिंग जो इक्वेशन होती है, रिमेनिंग इक्वेशन में क्या बचता है, वो बचता है ए निगेटिव ये एच टू ओ से, फिर ये ओ एच निगेटिव बनेगा एंड एच ए बनेगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम ए का सपोज हमने सी लिया था, तो इनिशियल ये जीरो और जीरो फॉर्म हुए थे, तो एट टी टाइम सपोज कि ये सी एच जो है वो आयनाइज हो गया, तो ये सी एच जो होगा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा और ये सी एच बनेगा, एट इक्विलिब्रियम इनिशियल में से आयनाइजेशन जो आयनाइजेशन जो वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, ये सी एच बना था और ये सी एच बना था, तो ये जो होगा ये इक्वल हो जाएगा ये सी वन माइनस एच के, ठीक है, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट के एच आयनाइजेशन कांस्टेंट जो था हाइड्रोलिसिस का के एच जो था वो होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच बी ओ एच ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये वाली इक्वेशन है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निगेटिव, ओ एच निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सी एच था, एच ए का कॉन्सेंट्रेशन भी सी एच है और ए निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है सी वन माइनस एच, तो ये किया जाए
तो पीएच ये सी से एक सी को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये सी से एक सी कैंसिल कर देते हैं, तो केएच जो होगा ये होगा सी एच स्क्वायर और वन माइनस एच, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि H जो है वो 1 से बहुत छोटा है, तो H की वैल्यू जो है वो 1 से बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, तो KH जो होगा वो हमारा क्या होगा, CH स्क्वायर। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इक्वल टू जो हो जाएगा अंडर रूट KH अपॉन C, तो यही हमको फाइंड करना था। तो H इक्वल टू के एच बाई सी। अब के एच इक्वल टू जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो था वो के डब्ल्यू अपॉन के ए हम निकाल चुके थे, तो के एच की वैल्यू जो है इधर पुट कर देंगे तो हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो हो जाएगा वो के डब्ल्यू के ए इंटू सी और अंडर रूट लगा देंगे, तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है इस तरीके से भी आ जाएगी। तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो हो गया किसका हो गया, ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमें जो है पीएच डिटरमाइन करना है, तो हम ये हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट बता चुके हैं आपको, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये भी बता चुके हैं, अब पीएच बताना है। तो पीएच हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले वही काम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन बी ए एक सॉल्ट था, इसको हमने वाटर में डाला तो ये बी ओ एच बनाया और ये आपने एच ही बनाया, ठीक है। अब चूंकि ये तो स्ट्रॉन्ग था, सॉरी ये बेस तो स्ट्रॉन्ग था, तो ये बी पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ये सॉल्ट जो होता है वो कोई भी सॉल्ट हो कम्प्लीटली आयनाइज होता ही होता है, तो ये भी कंप्लीट आयनाइज कर दिया, ये बी से ये भी कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन हमारी क्या बनी कि एक नेगेटिव एच टू ओ, ये ओ एच नेगेटिव देता है एंड एच जो होता है वो देता है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो सी वन माइनस एच था, ये कॉन्सेंट्रेशन सी एच था और ये कॉन्सेंट्रेशन सी एच था, तो हमें ये पता चल गया कि ओ एच नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है, वो सी एच है। तो पीएच के लिए तो हमें एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो के डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये के डब्ल्यू और ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओ एच निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या था, एच पॉजिटिव इक्वल टू के डब्ल्यू और सी एच। अब H जो था, ठीक है, H हम कितना लिख चुके थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो था KH अपॉन अंडर रूट KH अपॉन C, ठीक है। तो बस ये डिग्री H की वैल्यू पुट कर देंगे तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KW और C और ये अंडर रूट के एच अपॉन सी, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, अब के एच वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होता है, ये के डब्ल्यू अपॉन के होता है, तो के एच की वैल्यू पुट कर देंगे इधर पे तो क्या बनेगा, एच पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा हमारा के डब्ल्यू, ये सी और ये के एच की जगह हम के डब्ल्यू अपॉन के और ये सी था ही तो सी, तो एच पॉजिटिव इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन सी, और इसको हम पलट देंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इनटू के सी और के डब्ल्यू, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एच पॉजिटिव इक्वल टू के डब्ल्यू